हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील फ्रॉम एड्स ऑप्टिमाइजर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में लर्न करने वाले हैं कि हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली मेटा कंटेंट। मेटा कंटेंट मींस मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस एंड मेटा कीवर्ड्स। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, लेट्स से मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद से मैं आपको थ्री वे बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मेटा जो कंटेंट है वो कहाँ पे है। फ्रेंड्स, फर्स्ट आप अपने कर्सर को यहाँ ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ कर्सर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, एड्स ऑप्टिमाइजर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी। तो ये क्या है? ये मेटा कॉन्टेंट है। एंड जब भी हम लोग मेटा कॉन्टेंट की बात करते हैं तो उसमें थ्री थिंग्स आती है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा कीवर्ड्स। तो फर्स्ट वे है जहां से आपको मेटा टाइटल पता चलेगा। सेकेंड है, आपको अपनी वेबसाइट के ब्लैंक एरिया में आपको राइट क्लिक करना है एंड व्यूज पेज सोर्स पे आपने क्लिक करना है। ये कुछ कोडिंग जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल एफ करना है एंड आपको यहाँ पे टाइप करना है मेटा। मेटा टाइप करने के बाद से आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये माउस आपका जो है मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है आपका कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है एंड टाइटल है। तो टाइटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने क्या टाइटल एंटर करा है। दैट इज द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड उसके बाद से कीवर्ड्स एडेड है। डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ आपने आपने देखा होगा कि जो मेन कीवर्ड्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है एंड कीवर्ड्स में भी ऐड है। तो ये एक तरीका है। एंड उसके बाद से एक और वे है कि आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल यू कर लें। कंट्रोल यू आप करेंगे तो भी ये वाला विंडो आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन वही कंट्रोल एफ करना है और जैसे आप फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे आपका हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा मेटा कंटेंट वेबसाइट पे कहाँ दिखता है। फ्रेंड्स, सेकेंडली मान लीजिए कि मैंने गूगल ओपन करा एंड गूगल पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जैसे मैंने सर्च करा तो देखिए फर्स्ट जो आ रहा है, दोज आर पेड एड्स एंड उसके बाद से लिस्टिंग्स है। लिस्टिंग्स के बाद से यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। देखिए फर्स्ट, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गुड़गांव विथ हाई आरओआई। देखिए सेकेंड है आपका टॉप 15 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन गुड़गांव इन 2022। एंड उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे टाइटल है, देन नेम है, टाइटल है, ब्रांड नेम है, टाइटल है, ब्रांड नेम है, पहले ब्रांड नेम है, फिर टाइटल है, पहले उसको टाइटल है, देन ब्लावर। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो एजेंसीज हैं वो उन्होंने कैसे कैसे कीवर्ड यूटिलाइज किए हुए। सेकेंड, लेट्स से अगेन मैं गूगल ओपन करता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पीआर सर्विसेज इन मुंबई। तो फर्स्ट पीरियड्स आ रहे हैं एंड उसके बाद से लिस्टिंग सेंस को छोड़ देते हैं। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है टॉप पीआर फर्म्स इन मुंबई। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कीवर्ड्स जो है ना, पीआर फर्म्स एंड पीआर फर्म आपको ध्यान रखना होते हैं। फर्म्स मतलब मल्टीपल कंपनीज की बात हो रही है, तो मे बी वो आपका B2B पोर्टल्स भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज या कंपनीज लिस्ट होते हैं। अगेन आपका है बेस्ट पब्लिक रिलेशन एजेंसीज इन मुंबई, तो देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट लिस्ट है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि B2B पोर्टल है जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। बट यहाँ देखिए ओरियन पीआर, पीआर एजेंसी इन मुंबई, पीआर सर्विसेज। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीआर एजेंसी है। तो अगेन आप यहाँ देखिए, पहले ब्रांड नेम है, देन उसके बाद से एजेंसी कीवर्ड है, देन उसके बाद से, बट ये देखिए क्या है, जस्ट डायल है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेस्ट पब्लिक रिलेशन कंपनीज। तो फ्रेंड्स, आपको कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। कंपनी मींस कंपनी की डेडिकेटेड कंपनी के कंपनी के ऊपर कीवर्ड डाला होगा। कंपनीज मींस वो B2B पोर्टल्स भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंपनी एजेंसीज लिस्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे कि हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली मेटा टाइटल। तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें फर्स्ट जो थिंग है कि यहाँ पे मैं आपको मार्क करता हूँ, अकॉर्डिंग टू गूगल जो है
मेरा टाइटल, मेरा कंटेंट में थ्री थिंग्स आती है। फर्स्ट मेरा टाइटल 60 to 70 करेक्टर्स, डेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे 250 कैरेक्टर्स, एंड जैसे हम लोग मेटा कीवर्ड्स की बात करते हैं तो आपका 6 कीवर्ड्स आप उसमें मैक्सिमम ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा अदरवाइज वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ, बट फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपने मेटा टाइटल आपने राइटअप करना स्टार्ट कर दिया, बट आपको कैसे पता चलेगा कि वो 60 कैरेक्टर्स में हो गया नहीं है, या अभी वो SEO फ्रेंडली है या नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ। ये वाला है, आप इसे आप ये वेबसाइट है कैपिटलाइज माई टाइटल डॉट कॉम, एंड मेटा टाइटल टैग्स चेकर्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड एंटर करा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। देन आपने देखा है कि यहाँ पे एनसीआर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं गूगल कैन ओनली डिस्प्ले 600 पिक्स वाइड, दैट इज अबाउट 60 कैरेक्टर्स। मतलब गूगल का जो न्यू एल्गोरिथम है वो 600 पिक्स वाइड करेक्टर ही वो एक्सेप्ट करता है, जो कि होता है 60 कैरेक्टर्स। तो आप इतना लिखेंगे तो दैट विल बी एसईओ फ्रेंडली टाइटल, अगर इससे ज़्यादा लिखते हैं तो दैट विल नॉट बी एसईओ फ्रेंडली अ टाइटल। फ्रेंड्स यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली टाइटल में एक और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कीवर्ड्स के साथ आपने यहाँ पे आपको ब्रांड नेम भी ऐड करना है। लेट्स से मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था, फर्स्ट वाले में मैंने सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो देखिए यहाँ पे आपका टाइटल गिवन है, यहाँ पे आपका टाइटल गिवन है, यहाँ पे टाइटल गिवन है, देन ब्रांड में टाइटल गिवन है, ब्रांड में टाइटल गिवन है, ब्रांड में। तो फ्रेंड्स एसईओ फ्रेंडली बेटा कंटेंट वो होता है जिसमें आपने कीवर्ड्स लिखने हैं और कीवर्ड्स के बाद आपने ब्रांड नेम अपने लिखना है। और साथ में अगर आप ये टूल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे ओपन कर लें, एंड ओपन करने वक्त जब इस पर आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स हुए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो एसईओ फ्रेंडली मेटा टाइटल है या नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपको कीवर्ड्स स्टफिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट आपको क्लियर हो गया कि मेटा टाइटल आपको एसईओ फ्रेंडली कैसे राइटअप करना है। सेकेंड फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि आप मेटा जो डिस्क्रिप्शन है आपको वो एसईओ फ्रेंडली कैसा होता है। फ्रेंड्स जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपको हमेशा ही आपको टू द पॉइंट लिखना है, एंड उसमें कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपका ऐड करना है, जैसा आप लेट्स से 24x7 सपोर्ट, हासल फ्री, ह्यूज डिस्काउंट, कुछ ऐसे कॉल टू एक्शन आपने उसमें डालने हैं। और सिमिलरली आप चाहें तो ऐसे कॉल टू एक्शन आप अपने कीवर्ड्स में भी ऐड कर सकते हैं, जो क्रिप्स होगा। एंड अगर आप अपने क्रिएटिव कुछ आइडियाज़ अपने उसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका रैंक करेगा। एंड यहाँ पे आपने एग्जांपल भी देखा है फ्रेंड्स, देखिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी गुड़गांव विथ हाई आरओआई। तो जैसे हाई आरओआई है, 24x7 सपोर्ट, हासल फ्री सर्विसेज, तो ग्रांटेड रिजल्ट, कुछ ऐसे आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ यूनिक पॉइंट भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो गूगल उसको हायर प्रायोरिटी देगा, क्योंकि क्योंकि आप जो जनरल कीवर्ड डालते हैं तो गूगल को पता है कि ये जनरल कीवर्ड इसमें भी डला हुआ, इसमें भी डला हुआ। बट अगर कुछ अगर आप यूनिक करते हैं तो गूगल उसको इमिडिएट उसको कैच करेगा, उसको इंडेक्स करेगा एंड उसको फर्स्ट में प्रायोरिटी देगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप एसईओ फ्रेंडली मेटा कंटेंट आप राइटअप कर सकते हैं। एंड एक पॉइंट अभी रह गया कि आपको जो मेटा कीवर्ड्स होते हैं, मेटा कीवर्ड्स आपने मैक्सिमम 6 कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं। अगर आप 6 कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो वो एसईओ फ्रेंडली मेटा कीवर्ड्स हैं। अगर तो उससे ज़्यादा लिखते हैं
उससे ज़्यादा वैराइटी पढ़ते हैं तो आपका कीवर्ड्स एस्टफियम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर।